और गल करेंगे पीएस टेट एग्जाम, जो कि टुमारो एग्जाम बोल सकते हैं, और कल होने वाला है 19 जनवरी को, और मॉर्निंग सैशन के जो पेपर 1 होएगा और ईवनिंग सैशन के पेपर 2 होएगा। और सब के लिए जो बेस्ट विशेज है और बेस्ट ऑफ लक जो फॉर आल दे और सारे कैंडिडेट का जो पी एस टेट जिन्होंने हार्ड वर्किंग की और सारे का क्लीयर जरूर हो जाए, ठीक है। और वाहेगुरु और परमात्मा जरा मेहनत में रंग जरूर लावेगा। और गल कराएं कुछ टिप्स ट्रिक्स की, और उस तो पहले एक बार फिर जो बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं सारे के लिए, और जो कि पी एस टेट एग्जाम कल देन जा रहे हैं, और अपने सेंटर से जो समय सिर जरा जरूर पहुँच जाओ, और जल्दबाजी कुछ भुल के नहीं जाना, अपना एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ जरा जरूर ना लेके जाना, ठीक है। और पेन की कोई जरूरत नहीं होगी। और गल करांगे टिप्स ट्रिक की, की हैगा कि किस तरह कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे है जिमें कि ए बी मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन उन्होंने बोल सकते ए बी सी डी चार ऑप्शन दती हैं, चार ऑप्शन तो बाद फिर चार ऑप्शन दे देंगे कि ए बी दोनों गलत है या सी डी सही है या चारों ही ठीक है इस तरह, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ट्रिकी क्वेश्चन होंगे है, उन्होंने जोड़ा तुम ध्यान सॉल्व करना, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होंगे इन्हों डिफिकल्ट नहीं समझना, क्योंकि इन्होंने मैथड लाया होंगे एक ट्रिकी मैथड होंगे, उसनों तुम देखना जे जी मान लो ए गलत है तो ए देख लो सारे हैगा या नहीं, इस तरह जो ट्रिकी या बिल्कुल ईजी होंगे है इसमें जरा औखा नहीं समझना, ठीक है। और दूसरी गल है और जिन्ना तुम्हें पेपर आता सब तो पहला वो क्वेश्चन करो जिन्ना तुम्हें आता है, ठीक है। और वो करने तो बाद अगर उस तो बाद कुछ होर कितने स्ट्रोंोंग पॉइंट है तो वो करो, अगर उस तो बाद लास्ट से जो अगर तेरे को जिन्हें क्वेश्चन बच गए उन्होंने वन कोड कर सकते हो, चाहे ए बी कर सकते हो और चाहे बी कर सकते हो चाहे सी कर सकते हो, वन कोड करके तुम आ सकते हो। दूसरी गल हैगी है और जो की हों अपना पैसेज आता, ठीक है, कंप्रहेंशन होंगी है समझ के आधार पर एक पैसेज पूछा जाता, और पैसे के क्वेश्चन तुम किस तरह हल करने हैं, पैसेज पढ़ने तो पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। सत या छे क्वेश्चन होंगे वो जरूर पढ़ने हैं, और उस तो बाद पैसेज पढ़ना तो उस तो टाइम की जी बचत जरूर होगी, ठीक है। और दूसरी गल हैगी है सेंटर से जरा समय सिर तुम पहुँचना ताकि तुम किसी तरह की डिफिकल्टी ना लगे, और अंत तक पढ़ते रहना। एक होर गल हैगी और बहुत सारे बोलते हैं कि पढ़ना जरा पहला बंद कर दिता देना चाहिए ताकि माइंड फ्रैश हो जाए, नहीं, पढ़ने का कोई नुकसान नहीं होएगा, फायदा ही होएगा। जेकर तुसी एंड पॉइंट तक और पेपर तो अद्धा घंटा पहला तक भी पढ़ते रहोगे तो उसका नुकसान नहीं होएगा, फायदा ही होएगा, क्योंकि जदों तुसी पेपर एग्जाम दे विच बैठोगे उत्थे तुहाडे अगे सारियां ऑप्शन आउणगियां, तुहानू ऑटोमैटिकली याद आ जाएगा पढ़िया पढ़ाया, ठीक है। और किसी भी तरह का जिहड़ा ये कन्फ्यूजन दे विच और इन्हां गलत गल्लां दे विच नहीं पैना कि एग्जाम तो एक दिन पहला ही पढ़ना छड़ दो, इस तरह नहीं हुंदा, ठीक है। पढ़ते रहो उसका फायदा ही होएगा, ठीक है जी। चलो बेस्ट ऑफ लक, एक बार फिर सारे का क्वालीफाई जरूर हो जाए एग्जाम, ठीक है जी। थैंक यू।